तुमसे मरता नहीं है तो फिर माता खुद लड़ती है। तो ये दोनों मूर्तियां जो हैं 32,93,118 साल पुरानी है। दुनिया में कहीं भी आपको ऐसी मूर्तियां नहीं मिलती। ये जरूर है कि इंडिया के अंदर पुराने थे, लेकिन क्या था कि आपने देखे होंगे वीडियोस के अंदर या और जगह पत्थरों की ये मंदिर बनाए गए थे, ईंटों से, पत्थरों से, चूने से, जो भी था। तो लाजमी बारिशें पड़ी, घिरे, टूटे, फूटे, तो राजा महाराजों ने नैसर से तैमीर कराया, तो उनकी तैमीरात नहीं हो गई, पुरानी नहीं रही। लेकिन ये ऐसी चित्रनुमागार में है कि जिसको कोई मौसम का असर नहीं है। ये यहाँ से लेके एक अंग्रेज ने वहाँ तक, जहाँ से आप आ रहे थे ना, वो बनी हुई है जहाँ हमारे बाग, यहाँ तक है 200 फुट लंबी। और उधर से उसकी चौड़ाई जो है, जिसको ब्रेथ कहते हैं, वो है 50 फुट से भी ज़्यादा, और उसकी हाइट है 30 फुट। आप अंदाज़ा लगें, इसको कोई कॉलम नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कुदरत का करिश्मा, ये कुदरत का शाहकार आप उसको देख लें कि भगवान ने, अल्लाह ने किस तरीके से इसको बनाया। लेकिन मज़े की बात यह है कि सब जो बंदे जो भी पैसे रख के जाते हैं, चाहे 100 रुपया रखे, 1,000 रुपया रखे, जितना भी रखे, चार आने रखे, एक पैसा रखे, उसके वजह उसी से ही ये हमने बनाया। अच्छा, ये जो चीज़ जो है ना, ये सामने जब रामचंद्र इधर आया था महान उत्तम यात्रा करने के लिए, अपने पाप मिटाने के लिए ब्रह्मचर्य का, तो फिर इधर से उसने पूरे एकाम के साथ अदायगी की। उसके बाद उधर गुफा है, छोटी सी गुफा है, उसके अंदर बैठ के उसने तपस्या की थी। अच्छा, एक ये है, एक ऊपर है सबसे, और वो ऊपर भी वो ऊपर देखने झंडा लहरा। पहाड़ों के बीच में ये कदीम मंदिर अपनी खूबसूरती की अकासी करता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं इस बलूचिस्तान के इस पुराने और कदीम मंदिर को, इसकी खूबसूरती को लोगों तक दिखा सकूं, और जितने हमारे पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू कम्युनिटी है उन तक भी मैं इस पैगाम को पहुँचाऊँ कि वो भी आएँ और साउथ बलूचिस्तान में इस खूबसूरत मंदिर को विज़िट करें। ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।